हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे ओओपी। ओओपी इन जावा। ओओपी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करके अपने सारे टास्क को अचीव करते हैं, यानी कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बिना, उसके यूज़ किए बिना आप अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ मेथोडोलॉजी और पैराडाइम टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये यहाँ पर बता रहा है कि इसकी यूज़ से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान कर सकते हैं, उसके मेंटेनेंस को भी आसान कर सकते हैं, और उनके कुछ कॉन्सेप्ट जो है इनका यूज़ करके। और वो ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लिखे हुए हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये पिलर की तरह होता है ओओपी के लिए। ओओपी जो है इन्हीं के कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओओपी क्या है, तो आप ये बताइएगा कि ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम इन सारे फीचर्स को यूज़ कर सकें, उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें, तो उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। कुछ एग्जांपल आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो ओओपी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे जावा, जावा जो है इसमें आप बिना क्लास को डिफाइन किए प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। सी प्लस प्लस जो है ये, इसमें हम प्रोसीजरल की कैटेगरी में भी रखते हैं और ओओपी की कैटेगरी में भी रखते हैं, यानी कि इसके अंदर हम प्रोग्राम को बिना क्लास के भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास का यूज़ करके भी डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइथन भी है। अब हम लोग आते हैं इनके जो पॉइंट्स हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इन्हें हम एक एक करके समझेंगे। सारी चीज़ों को डिटेल में इस वीडियो में मैं नहीं समझाऊंगा, जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये जो चारों पॉइंट हैं इनके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है जहाँ पर मैंने इन सारे टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। अब हम लोग जो इसमें समझेंगे वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन पहले आप देख लीजिए कि क्लास है क्या। क्लास मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। बहुत सारे ऑब्जेक्ट का ग्रुप जिनकी आपस में प्रॉपर्टी और बिहेवियर सेम हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये है फ़ोन। फ़ोन करके एक क्लास है जिसके अंदर देखिए ये सब फ़ोन्स हैं। अब इनकी कंपनी मैंने यहाँ पे P1, P2, P3 मेंशन की है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस फ़ोन P1 की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, जैसे कि इसका साइज़, इसका प्राइस, इसका कलर, ओके, और इसका कुछ ID नंबर जो भी हो वो, और साथ में इसके कुछ बिहेवियर जैसे कॉलिंग, मैसेजिंग, रिकॉर्डिंग, फ़ोटो कैप्चर करना, ये सब जो है इसके बिहेवियर्स हैं जो मैंने बड़ी लाइन में ड्रॉ की हैं, और ये उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। उसी तरीके से इनकी भी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स, ये बिहेवियर, तो बेसिकली जो होता है सारे फ़ोन की जो प्रॉपर्टी और बिहेवियर होती है वो सेम ही होती है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक सेम प्रॉपर्टी और बिहेवियर को होल्ड कर रहे हैं और ये इनका ग्रुप है। तो हम इसको क्या बोल दिए, ये क्लास है और इस क्लास का नाम मैंने फ़ोन रख दिया। अब यहाँ पर देखिए ह्यूमन, ह्यूमन एक क्लास है, हम इसे क्लास कहते भी हैं कि ह्यूमन इज़ अ क्लास। क्यों कहते हैं ऐसा हम, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स ही चीज़ों को समझना चाहिए, उससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने H1, H2 एंड H3, ये तीन ऑब्जेक्ट हैं ह्यूमन क्लास के, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला है कि ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जिनकी प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर सेम होता है। अब ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टी क्या होगी, ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टी उसका कलर, उसका हाइट, उसका वेट, ओके। अब इसके बिहेवियर्स क्या क्या होंगे, इसके बिहेवियर्स होंगे थिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग, और सेम चीज़ ये यहाँ पर भी होगा और उसके बिहेवियर्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो इन जनरल जो प्रॉपर्टी और बिहेवियर होता है सबका सेम होता है। तो हम इन सारे ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप बना दिए, इन सारे ऑब्जेक्ट्स का मैंने एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का नाम मैंने दे दिया ह्यूमन। तो ये सब क्या है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, हमारे ही चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों का एग्जांपल है जिन्हें हम लोग एक क्लास की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम रियल लाइफ, इन रियल लाइफ एग्जांपल्स को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जावा के हेल्प से। अब
देखिए यहाँ पे मैंने क्लास को डिफाइन किया, अब ये है आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है डेफिनेशन इसका, एन एंटिटी, एक बोल सकते हैं आपकी एक एलिमेंट विच होल्ड्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ द क्लास। मतलब आप देखिए ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास से बिलोंग करता है, फ़ोन क्लास से बिलोंग करता है, और यही वो एंटिटी है जो फ़ोन की प्रॉपर्टी और फ़ोन के बिहेवियर्स को होल्ड करता है। इसीलिए हम लोग क्लास को बोलते हैं ब्लूप्रिंट। जैसे यहाँ पे ह्यूमन जो है और ये जो फ़ोन है, ये क्या है, ये ब्लूप्रिंट है। क्यों ब्लूप्रिंट है, क्योंकि इसके बेस पे, या फिर इसको हम एक टेम्पलेट भी बोल सकते हैं कि एक इसके बेस पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर हम क्लास को डिफाइन नहीं करेंगे तो जेवीएम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेगा, जेवीएम को मुझे बताना पड़ेगा। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन को हमें बताना पड़ता है कि हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर ये सब हैं। ठीक है, जो अभी हम आगे में पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें पहले उसका ब्लूप्रिंट, उसका टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है, और उस टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए हमें क्लास डिफाइन करना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ह्यूमन क्लास और फोन क्लास को पहले हम बनाएंगे और फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया क्लास का और ऑब्जेक्ट का। इस तरीके से अगर आप देखें अपने चारों तरफ तो बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे कि एनिमल। ठीक है, आप जैसे कि लायन, लायन एक क्लास है, तो उसके अंदर लायन क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लायन वन, लायन टू, लायन थ्री, वो सभी एक सिमिलर प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को होल्ड करते हैं। तो वो देखिए इस डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब लायन वन को ही पकड़ लीजिए, तो वो लायन क्लास के प्रॉपर्टी और बिहेवियर को कैरी करता है, होल्ड करता है, इसलिए वो उसका ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर रियल वर्ल्ड में। ठीक है, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, हम लोग प्रॉपर्टी और बिहेवियर टर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जाते हैं, जैसे कि जावा का हेल्प से अगर हम करें बात, तो हम लोग प्रॉपर्टी को बोलते हैं वेरिएबल और बिहेवियर को बोलते हैं मेथड। और इसको थोड़ा और भी स्पेसिफिक अगर हम जाएँ तो हम लोग इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल या फिर डेटा मेंबर। और मेथड को हम लोग बोलते हैं मेंबर मेथड या फिर ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, तो किस तरीके, अब ये तो हो गया आपका कि प्रॉपर्टी और बिहेवियर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी और बिहेवियर टर्म मैं यूज़ कर रहा था अभी एग्जांपल्स के अंदर, उनमें हम लोग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वेरिएबल्स जो डेटा होल्ड करता है, और बिहेवियर का मतलब मेथड्स जो कुछ टास्क परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर देखिए आपको और भी समझ में आएगा अच्छे से। ये है मेरा क्लास फ़ोन। ठीक है, ये मैंने क्लास लिया, एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने उठाया, और इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे कि प्राइस, कलर और वेट। ये जो क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हर क्लास की प्रॉपर्टी होती है, और ये दोनों जो हैं उसके बिहेवियर हैं। तो मैंने क्या लिया, बिहेवियर में कॉल और मैसेज, मतलब ये कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे इसके बिहेवियर्स होंगे, मैंने अभी सिर्फ दो बिहेवियर एग्जांपल में लिया। अब मान लीजिए अगर आपके सामने ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आप ऐसे सोच रहे हैं, आप मान लीजिए आप बिगनर हैं, आपको एक क्लास को डिफाइन करना है, तो हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, हमें ओओपी के कॉन्सेप्ट को ले के चलना चाहिए आगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग स्किल होता है ओओपी कोडिंग से रिलेटेड, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया, दिमाग में आया मेरे कि मेरे को एक फ़ोन क्लास डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि एक उस क्लास के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी और कौन कौन सा बिहेवियर होगा। तो मान लीजिए आपने सोचा कि यार फ़ोन की प्राइस होती है एक वैल्यू, तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे सोचिए कि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम स्टोर कर, कोई ऐसा जगह जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करें। एक फ़ोन का क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है, उसका प्राइस, उसका कलर, उसका वेट, उसका साइज, उसका प्रोसेसिंग स्पीड, ये सब क्या है, उसके इन्फॉर्मेशन है। उसके बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, कॉल करना,
रिकॉर्डिंग करना, वीडियो देखना, मैसेजिंग करना, ये सब उसके बिहेवियर्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्लास के प्रॉपर्टी और बिहेवियर को इमेजिन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मुझे उसे कोडिंग में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो जावा प्रोवाइड करता है, और वो कीवर्ड का नाम है क्लास। वैसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग से एक वीडियो बना हुआ है जहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्लासेस डिफाइन करने चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो मेन मेरा जो यहाँ पर टॉपिक जो है वो ये है कि मैं ये आपको समझाऊँ कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आपस में कैसे क्या रिलेशनशिप उनका होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से क्लास को डिफाइन किया, ओके, और ये देखिए प्रॉपर्टीज़ को मैंने कैसे वेरिएबल्स के साथ डिक्लेयर कर दिया। और देखिए यहाँ पे ये जो मेरे मेथड्स हैं, इन मेथड्स को मैंने यहाँ पे नीचे में डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो क्लास है, बेसिकली यहाँ पर ये जो क्लास है, मैंने इसको डिफाइन जब कर दिया तो उसके बाद हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम एक फ़ोन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद उसके उस ऑब्जेक्ट वो जो ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा मान लीजिए मैंने इस फ़ोन का एक ऑब्जेक्ट बनाया। वैसे फ़ोन का ऑब्जेक्ट बनाना जो है वो अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन जो है ये बहुत ही जनरल है। फ़ोन एक स्पेसिफिक क्लास नहीं हो सकता है, फ़ोन को कोई ना कोई दूसरा क्लास इनहेरिट करेगा। जैसे कि सैमसंग, सैमसंग करके क्लास है, ठीक है, सैमसंग करके क्लास है जो इसको इनहेरिट करेगा। तो देखिए यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आया जो मैंने अभी ऊपर में बताया था। तो सैमसंग करके भी एक क्लास होगा जो इसको इनहेरिट करेगा। तो जैसे ही सैमसंग इसको इनहेरिट करेगा, सैमसंग के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर आ जाएंगी। अगर आपको इनहेरिटेंस नहीं आता हो तो आप इनहेरिटेंस का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएंगी। तो अब हम फ़ोन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सैमसंग के हेल्प से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सैमसंग OB इक्वल्स टू न्यू सैमसंग, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ये मेरा क्या है, सैमसंग, ये मेरा क्लास है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फ़ोन क्लास जो लिया है उसको सैमसंग क्लास इनहेरिट कर रहा है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर अभी सैमसंग के अंदर ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, प्राइस, कलर, वेट, और जो बिहेवियर्स हैं दो, कॉल और मैसेज, वो सैमसंग क्लास के अंदर इनहेरिट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब बताइए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको होल्ड करने के लिए, इन बिहेवियर्स को रन कराने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट का ज़रूरत होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट मैं नहीं क्रिएट करूँगा तो इन प्रॉपर्टीज़ और इन बिहेवियर को मैं ना एक्सेस कर पाऊँगा और ना इनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन का हम एक्सचेंज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन दे सकता है और दूसरे ऑब्जेक्ट से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं हुआ तो जो क्लास मैंने डिफाइन किया है उसका कोई मतलब नहीं है। फिर से आप समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में एक बहुत ही बेसिक समय रिलेशनशिप बता दे रहा हूँ। जब हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं तो वो एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है, ठीक है। जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे उसके लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट ही वो एंटिटी होता है जो कि आपके क्लास के इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। तो ये रहा क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल से समझाया। और जो इसके और भी टॉपिक हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इन सारी टॉपिक्स के ऊपर मेरे अलग से वीडियो बने हुए हैं, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।